और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रशासनिक मंच लगाया गया है, कैंप है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दरौंदा के विधायक हैं करणजीत सिंह और ब्यास सिंह, जेडीयू के जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु जी, जीशु सिंह जी जेडीयू के नेता हैं, बीजेपी से नंद प्रसाद चौहान जी, लीलावती गिरी जी, फजल साहब और संजय पांडे जी जो बीजेपी के नेता हैं, नागेंद्र सिंह जी, ये तमाम लोग, वार्ड पार्षद अभिनव कुमार उर्फ रानू जी, ये तमाम लोग पहुँचे हुए। हम विधायक जी से बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। शोभा यात्रा निकली हुई है, अब बड़ी मस्जिद क्रॉस कर रही है। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी थोड़ा सा बृहद है। दरअसल राम लल्ला अपने दरबार में अयोध्या में 550 वर्षों बाद विराजमान हुए हैं। हिंदू सनातनी लोग जो भी हैं, हिंदू जो धर्म को फॉलोअर, जो भी फॉलोअर हैं, जो हिंदू धर्म के आस्था को पालन करने वाला लोग हैं, उनके प्रति ढेर सारा शुभकामना और बधाई देते हैं रामनवमी के अवसर पर। लेकिन आज ये जो माहौल है, जो ये महापर्व के रूप में सीमान तब्दील हो गया है, हिंदू जो है भगवामय हो गया है, हिंदूमय हो गया है, पूरे सीमान नहीं, पूरे देश दुनिया में आप देखिएगा तो पूरा हर जगह आई रामनवमी के अवसर पर पूरे लोग अपने जो सनातनी हैं, सब लोग अपने आस्था के प्रति ईमानदारी से सब लोग लगे हुए हैं। सभी लोग शांतिप्रिय तरीके से लगे हैं, इसके लिए क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से? देखिए, हमेशा सीमान जो है यहाँ हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, मान लीजिए बचपन से लेके और बड़े हो गए हैं, सीमान में रामजन्म उत्सव तो उस समय से मनाया जाता है जबकि हमको लगता है कि देश दुनिया में दो चार जगह मनाया जाता था तब से। और यहाँ चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, सब लोग कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेटिव हैं और सब लोग मिलजुल के इस महापर्व को मनाते हैं। इसके लिए पूरे जिलावासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे चंद्रकेतु जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे चंद्रकेतु जी आज के शोभा यात्रा को? आज ये जो शोभा यात्रा निकला है, ये प्रत्येक साल की भांति इस साल भी निकला हुआ है और हर साल हम लोग शरीक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी इसलिए है कि श्री राम जन्मोत्सव जो न्यास समिति है उसके द्वारा जो आयोजन किया जाता है और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है, दोनों के समन्वय से यहाँ सद्भावना बनी रहती है और इतना बढ़िया तरीके से शोभा यात्रा निकलती है जो कि पूरे भारत के लिए एक मिसाल होता है। चलिए, बिल्कुल है, जीशु जी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना है? आनंद, सबसे पहले तो आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामना और बधाई पूरे देशवासियों को, सिवानवासियों को, बिहारवासियों को हमारे तरफ से। और आज ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि अयोध्या में श्री राम का अभी 500 साल पे पहली दफ़ा राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ पे रामलला मंदिर में विराजमान हैं। और आज देख रहे हैं कड़ाके की गर्मी के बावजूद, आज टेम्परेचर हमको लगता है 41-42 डिग्री है, उसके बावजूद हिंदू मुस्लिम सब मिल के आज देख रहे हैं बड़ी मस्जिद के पास मुसलमान भाइयों द्वारा हम लोग की व्यवस्था की गई है जगह जगह पे, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और ये हिंदू मुसलमान सभी मिल आज पूरा शहर राममय हो गया है और सारा भगवाकरण का ये हो गया कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या छोटे बच्चे, क्या बूढ़े, ये सारा लोग राम के प्रति, आस्था के प्रति, और ये सारा शहर राममय हो गया। धन्यवाद। एक जगह खड़ा होकर के किसी भी राम भक्त का आज रामनवमी के दिन सभी भाई बंधुओं को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हर साल तो रामनवमी बड़ी हंसी खुशी उल्लास के साथ मनता ही था, लेकिन इस साल का रामनवमी में कुछ और ही ज़्यादा आनंद और खुशी है, इसलिए कि 500 वर्षों के बाद भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और पूरा देश राममय हो गया है। हम लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि आपसी मेल मोहब्बत के साथ इस आनंदित पल को आनंदमय मनाएं, खुशीमय मनाएं। मैडम, क्या कहेंगे? शोभा यात्रा अब यहाँ पे क्रॉस कर रही है बड़ी मस्जिद। शोभा यात्रा पर मैं यही कहना चाहूँगी कि बड़ी भव्य तरीका से जो राम जी में आस्था रखने वाले हमारे सिवान के सभी भाई के लोग हैं और आपसी भाईचारा के साथ बड़ी लोकतांत्रिक तरीका से, बड़ी भव्यता के साथ हमारा राम जी का जुलूस जा रहा है, बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। फजल साहब, क्या कुछ कहेंगे बताइए? अब तो शोभा यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी आगे, बड़ी मस्जिद तक पहुँच चुका है शोभा यात्रा, हर साल निकलता है, इस साल भी बहुत ही अच्छा तरीके से निकलता है।
सबको हम अपनी ओर से मुबारकबाद दे रहे हैं और आस्था कर रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये आगे भी बढ़ेगा और हम लोग सब लोग मिल के इसमें सहयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, शोभा यात्रा आप जो है बड़ी मस्जिद क्रॉस कर, देखिए आज राम जन्म उत्सव है और राम जन्म उत्सव पर हर ठाल की भांति ठाल भी शोभा यात्रा निकली है। इस शोभा यात्रा में एक जो मुख्य विषय है कि करीब 550 बैठों बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और उनके भव्य मंदिर में विराजमान होने के कारण जो राम भक्त है उनके अंदर बहुत उठी उमंग उत्साह है। इसलिए आज जितने राम भक्त हैं सब राम जन्म उत्सव में भाग ले रहे हैं। क्या कहेंगे नगेंद्र जी? हर साल की भांति इस साल भी राम जन्मोत्सव बड़े हर्षोत्साह के साथ मनाया जा रहा है और सभी राम भक्त अनुशासित होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। इस यह यात्रा बहुत ही सुसज्जित ढंग से चल रही है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरीके से शोभा यात्रा जो है वो बड़ी मस्जिद की तरफ पहुंच चुकी है और यहां से अब शोभा यात्रा आगे की तरफ प्रस्थान करेगी और इसी तरीके से ये जो कवरेज है लगातार ये जारी रहेगा और आगे हम चलेंगे और पूरी शोभा यात्रा की जिस तरीके से लगातार कवरेज हम दिखा रहे हैं आगे भी हम यह कवरेज दिखाने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव, सिवा।